दीप्ति पांडे हमारे साथ हैं, आपका भी गृह राज्य है, हमारा भी गृह राज्य है और बच्चन साहब का भी गृह राज्य है, और जिस क्षेत्र से आप आती हैं वो है बहराइच, वो गृह क्षेत्र भी हम तीनों का है। जी सर। आप प्रयागराज से हैं, हम अयोध्या से हैं और आप बहराइच से हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका जो गांव है हसुआपुरा, यहाँ पर क्या हसुआपारा तो हसुआपारा में डायरिया के मामले कम हुए, लेकिन अभी भी ये बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, इसको लेकर के अवेयरनेस आपने कैसे फैलाई, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? गांव में जब जाते थे तो गांव-गांव जैसे हम लोग सर्वे करते थे गांव में जा करके कि कोई बच्चा बीमार है या नहीं है, घर घर जाके पूछते थे। एक दिन में 3 से ज़्यादा मतलब बार पानी जैसी लेटरिन अगर आती हो तो आप हमको बताएं, तो गांव की महिलाएं बताती थी हम लोगों को, तो हम लोग उनको आरएस और जिंक देते थे। अगर कोई बच्चा ज़्यादा सीरियस है तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए। लिटाल बनेगा स्वस्थ इंडिया में हमने काम किया है, उसमें भी काम किया है, तो उसमें सर हाथ धोने का तरीका बताते थे और लिटाल साबुन भी देते थे, 5 स्टेप 6 स्टेप उनको बताते थे कि ऐसे हाथ धुल के तभी आप बच्चे को खाना दो, खाना अपना ढक के रखो, और बच्चे को बार बार जैसे कोई बच्चे को अगर डायरिया है, दस्त है मतलब आ रहा है, तो उसको बार बार ORS घोल 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल के बना के रख लो, उसको बार बार पिलाओ। एक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था तो मैंने उनकी माँ से बात किया और कहा कि आप अपने बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र ले जाइए। वो बोली नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं आपका मदद कर दूंगी, आप चलिए हमारे साथ। और मैं उस बच्चे को लेकर गई, उसको उसका बच्चा इस समय ठीक है और ये हमको बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी की जान बचाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चन साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी दीप्ति जी, देखिए ये बड़े गर्व की बात है कि आपने इतना सराहनीय काम किया है और एक तरह से आप एक कोविड की योद्धा बन गई हैं। जी। और योद्धा होने के नाते हमने सुना है कि एक गर्भवती महिला को जी। वो कोविड पॉजिटिव हो गई जी। और बहुत ही सख्त एक तरह से उनके जितने भी सिम्टम्स थे, जितने भी लक्षण आ रहे थे टेस्ट वगैरह के बाद, वो काफी गंभीर थे जी सर। आपने अपना काम वाम छोड़ छाड़ के ये सोच लिया कि आपको इनकी मदद करनी है, इनकी देखभाल करनी है जी। और हम सब जानना चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कैसे आपने एक तो उसकी मदद की और पूरे महामारी में आपने किस तरह अपना योगदान दिया। सर जैसे कुछ तो आपने अभी वर्णन किया है, वो बहुत ही सुंदर था सुनने में, लेकिन ये जो एक गर्भवती को आपने बचाया और उसको देखिए, एक माँ जब गर्भवती हो जाती है तो एक इंसान नहीं तकलीफ में होता, दो प्राणी जो हैं वो गंभीर हो जाती है उनकी अवस्था, तो उसको जानना पहचानना उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पता चला कि ये गर्भवती ज़्यादा परेशान है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार भी है उसको, तो मैं उसके घर गई और मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा कि सर हमसे सब लोग डरते हैं, कहते हैं कि आपको कोरोना हो गया है। फिर मैं दवा हॉस्पिटल से लेकर आई, उनको दिया और कहा कि आप खाते रहना और भाप भी लेना, आप सांस लेने में अगर परेशानी होती है तो भाप भी ले लेना और दवा टाइम टाइम से खाते रहना। और जब उसका प्रेगनेंट का टाइम मतलब बढ़ा प्रसव का, तो मैं उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई और उसका सुरक्षित जच्चा बच्चा पैदा हुआ। मेरी वजह से अगर किसी की जान बच रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती थी। आए दिन हम टीवी पर देखा करते थे। उदाहरण है आप, मैं अगला परिचय देना चाहूँगा अमीना जी का।